गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास सिक्स का लेसन फोर में जो पोएम ड्यूटी है उसे पढ़े थे। आज हम आप लोग को इसका समरी बताने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। ड्यूटी गिव्स प्लीजर टू ऑल आवर सेंसेज। प्लीजर मीन्स खुशी या आनंद, सेंसेज मीन्स ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। इट कैन बी नोटिस्ड, नोटिस मीन्स इसे देखा जा सकता है, देखना, नोटिस मीन्स देखना, इन द सनलाइट। द ट्रीज, द बर्ड्स, द फील्ड्स एंड द डांसिंग ग्रुप्स। The people dance joyfully for their harvest. Joyfully खुशीपूर्वक for their harvest, फसल काटना, है ना? Harvest means फसल काटना। Beauty can also be heard. Beauty को सुना भी जा सकता है। In the night, when the wind makes a whistling means आवाज, चलने की आवाज, सांसों की आवाज सुनाई देती है। The rain falls. ऐसा पढ़ने की आवाज। ऑल सॉन्ग सिंगर सिंग्स मेरी मधुरतापूर्वक गाते हैं। ट्रू ब्यूटी आई हर तथा कुछ सोच रिसेल इन आवर नोवल एक्शन, ठीक है। अच्छे कार्यों में एंड गुड आइडियाज सब विचारों में द ब्यूटी इज रिपीटेड टू ब्राइडर दी, है ना, इन वंस ड्रीम्स इसके सपने में एंड गिव्स के सरकारों में एंड इवन इन वन रेस्ट और आराम। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सुंदरता हमारे ज्ञानेंद्रियों को खुशी देती है, है ना। सुंदरता हमारे सभी ज्ञानेंद्रियों को खुशी देती है। इट कैन बी नोटिस्ड इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, द फील्ड्स एंड द डांसिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो सुंदरता को धूप में, पेड़ों में, पक्षियों में, खेतों में और नाचते हुए लोगों के समूहों में भी देखा जा सकता है। द पीपल डांस जॉयफुली फॉर देयर हार्वेस्ट। लोग अपने फसल काटने के बाद खुशी पूर्वक नाचते झूमते नजर आते हैं, उनमें भी सुंदरता दिखती है, ओके। ब्यूटी कैन ऑल्सो बी हर्ड इन द नाइट। सुंदरता को रात में देखा भी जा सकता है। whistling song, ना? जब हवा चलने की सांसें आवाज सुनाई देती है। The rain falls, बरसात होने की आवाज सुनाई देती है। और some singers sing merrily, या कोई या उस गायक जो मधुरता पूर्वक गाते हैं उनमें भी सुंदरता सुनी जा सकती है, ठीक है। ट्रू ब्यूटी हाउएवर शोज इटसेल्फ इन आवर नोबल एक्शंस एंड गुड आइडियाज। पर सच्ची सुंदरता तो आदमी के कार्यों में, है ना, इन आवर नोबल एक्शंस, अपने कार्यों में एंड गुड आइडियाज और सद्विचारों में, नेक विचारों में, सद विचारों में, दैट ब्यूटी इज रिपीटेड इन वंस ड्रीम्स एंड डीड्स एंड वे इवन वेन वन रेस्ट। पर वही सुंदरता व्यक्ति के सपनों में, सत्कार्यों में और उसके विश्राम में भी दोहराई जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने इस लेसन का समरी कंप्लीट किया, आप लोग इसे अच्छी तरह याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।